स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा वाकिला। बुलेटिन में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम फैसले को लेकर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। सीएम योगी ने कहा है ओबीसी आरक्षण लागू कर चुनाव करवाएंगे। सीएम ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट से मिली समय सीमा में आरक्षण लागू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया है। सीएम योगी ने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। ये सीएम योगी की बात है जो उन्होंने कही है सुप्रीम फैसले के बाद। ओबीसी आरक्षण लागू कर चुनाव करवाएंगे, सीएम योगी ने कहा। बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम फैसले को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। ओबीसी आरक्षण लागू कर चुनाव करवाएंगे उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में निकाय चुनाव आरक्षण लागू होने के बाद ही करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो स्वागत योग्य है, सभी उसका स्वागत करते हैं। ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, इस बात का जिक्र भी सीएम योगी ने किया है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं सीएम योगी ने कहा है। ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए यूपी सरकार निकाय चुनाव संपन्न करवाने में सहयोग करेगी, इस बात का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी निकाय चुनाव पर इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये रिएक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ का आपके सामने। देखिए, यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर ट्वीट करके निशाना साधा है। ये आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत करते हैं। निकाय चुनाव पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर सियासत गर्मा गई उत्तर प्रदेश में। ये आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। और बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत। नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपके सामने है। सपा मुखिया अखिलेश यादव, जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको ये करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये ट्वीट के जरिए अपनी बातें रखी हैं और विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। हमला बोला विरोधियों पर, पिछड़ा विरोधी एक बार फिर से बता दिया। ये आदेश अखिलेश एंड कंपनी को झटका है, करारा जवाब है, ये उन्होंने कहा। और बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत करते हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। अखिलेश एंड कंपनी खुद पिछड़ा विरोधी हैं, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में बात कही है। देखिए, यूपी निकाय चुनाव पर ये बड़ी खबर है। बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी आयोग से आरक्षण पर 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। बड़ी जानकारी नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। और यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर ध्यान देकर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, राज्य ने ध्यान आरक्षण को लेकर नहीं रखा। चलिए, अविनाश मेरे साथ इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे ही रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, इसी का तो इंतजार सरकार भी कर रही थी और विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। अब सरकार को ये बड़ी राहत मिल गई है, 3 महीने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। जनवरी में जो पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण के भी चुनाव आप करवा सकते हैं, उस पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है राज्य सरकार को। अविनाश,
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो राज्य सरकार भी यही चाहती थी कि 31 जनवरी 2023 तक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था उस पर स्टे लग जाए। वहीं अगर बात करें तो सरकार ये भी चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। और इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी उससे समाजवादी पार्टी के वकीलों ने भी अपनी सहमति जताई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव हो और इसी लिए कमीशन की नियुक्ति की गई और कमीशन अगले 6 महीने में अपनी तमाम से रिपोर्टों को तैयार करके देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थोड़ा परेशानी के सबब इस बात को लेकर हो गया है कि अब उनको 3 महीने के अंदर ही कमीशन के जरिए रिपोर्ट तैयार करा के राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी, यानी कि जो पहले 6 महीने का कार्यकाल था कमीशन का उसको अब 3 महीने के अंदर ही अपनी तमाम से रिपोर्ट को तैयार करके डिलिमिटेशन की आरक्षण की वो राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा और उसके बाद फिर नई नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर उसके बाद भी किसी को कोई शंका होती है, किसी को कोई समस्या होती है आरक्षण को लेकर के, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख के अपनी बात कह सकता है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से आज अब सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है, तस्वीर अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि जो भी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं वो अब अप्रैल में ही होंगे। और जाहिर तौर से बात है कि जब 31 मार्च 2023 को जो कमीशन बना है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तब उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही अगर बात करें तो चुनाव की घोषणा करेगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कम से कम 1 महीने का वक्त दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम सारे प्रत्याशियों को और तमाम सारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरा करने में। तो अब ये मान के चलिए कि अगर अभी से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अगर वो पूरी तरीके से समय से होता है, समय से लागू होता है और तमाम सारी प्रक्रियाएं समय से चलती है, तो मई के पहले हफ्ते में या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश में जाके निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे और नतीजे आएंगे उसके बाद। तो ये अब मान के चला जा सकता है कि अप्रैल में ही जाके निकाय चुनाव संभव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पहले अब निकाय चुनाव नहीं संभव है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी कर रही थी, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए और कई सारे जो तमाम सारे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है वो भी तैयारी कर रहे थे निकाय चुनाव में अपने चुनाव लड़ने को लेकर के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इंतजार करना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में सहभागिता देने के लिए। तो अब उन सबको इंतजार करना होगा और अब ये मान के चला जाए कि सब कुछ अगर ठीक रहा, सारी प्रक्रियाएं ठीक तरीके से चली, तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में ही जाकर होंगे। और उसके पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से 31 जनवरी 2023 को तमाम सारे निकाय के कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पे अगर बात करें तो उसके बाद जितने भी नीतिगत फैसले हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे, यानी कि जो लोकल स्तर पे ईओ होते हैं वो लेंगे और इसके अलावा डीएम निगरानी रखेंगे तमाम सारे फैसलों की और कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। और अब तमाम सारे लोगों को इंतजार करना होगा कि कमीशन क्या आरक्षण बना के देता है, किस तरीके से डिलिमिटेशन करता है, इन तमाम सारी चीजों को किस तरीके से आगे करता है, फिर नए तरीके से किस तरीके से सूची आती है और फिर क्या किस तरीके से आगे जाके चुनाव को जिस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना है, सूची तैयार करनी है, आरक्षण को तय करना है, कहां पर कितना आरक्षण होगा, पूरी सूची बनानी है। 3 महीने का वक्त काफी है आयोग की अपनी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आयोग को अगर लगता है कि 3 महीने की प्रक्रिया जो है उस पर पूरा नहीं हो पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करवा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए और यह तर्क बताया जा सकता है कि क्यों नहीं 3 महीने में रिपोर्ट पूरी की जा सकती है। लेकिन उसके बाद निर्णय करना सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 31 मार्च 2023 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो आयोग के सामने चाहे मुश्किल हो, चुनौती हो, जो भी हो, उसको अब 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट तैयार करनी ही होगी। और अगर कोई बड़ी बाधाएं आती है, कोई बड़ी चुनौती आती है तो उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे सकती है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ओर से कोई समय सीमा बढ़ा दे। लेकिन आज के आदेश के अनुसार अब कुछ भी हो आयोग को 31 मार्च 2023 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। बिल्कुल ठीक है। और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अविनाश सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपने तथ्यों को सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही आदेश दिया, लेकिन सरकार ने आरक्षण को लागू करने पर जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की अहम हो जाती है सरकार को लेकर। जी जाहिर तौर से बात है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आदेश रहा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही था क्योंकि सरकार ने आरक्षण को लागू करने में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया था और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ठीक था। लेकिन चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण के 31 जनवरी तक चुनाव कराया जाए, तो सरकार ने जब अपनी ओर से कहा कि नहीं, वो आरक्षण देना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके तमाम
सर ने सुप्रीम जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय था उसको माना और निर्णय को मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी छूट दी कि 31 जनवरी 2023 तक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव कराने का उस पर स्टे लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरफ जहाँ राहत मिली है तो दूसरी तरफ उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ गई है क्योंकि अब जो आयोग है उसको अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 तक तैयार करनी होगी और उसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपनी होगी और फिर आगे जाके जो चुनाव की प्रक्रिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग को करनी होगी। तो अब थोड़ा काम बढ़ गया है, जो कमेटी गठित हुई है वो जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के उसको अब थोड़ा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे कि रिपोर्ट तय समय सीमा के अंदर तैयार कर सके और तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट तैयार करके राज्य निर्वाचन आयोग को दे सके जिससे कि आगे चुनाव का रास्ता साफ हो सके। बिल्कुल, और दोनों ही सरकार तो इसको अपनी जीत एक तरीके से बता भी रही है। हमने देखा था जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो लगातार रिएक्शंस भी आए थे सरकार की तरफ से भी, खुद सीएम ने भी ट्वीट किया था, डिप्टी सीएम का भी ट्वीट हमने तब भी देखा था और आज के फैसले के बाद भी ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं और अपनी जीत के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी अविनाश इसको अपनी जीत बता रही है, कहा जा रहा है कि हम अर्जी लेकर के कोर्ट में उसके बाद सुनवाई हुई जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाती है। अब दोनों ही दलों की तरफ से इसको अपनी जीत बताई जा रही है। अविनाश जी बिल्कुल, दीपा अगर बात करें तो दोनों ही दल अपनी जीत के लिस्ट लिए दावे कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हो वो आरक्षण के साथ हो, ओबीसी आरक्षण के साथ हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आया कि आप बिना आरक्षण के चुनाव करवाइए क्योंकि आपने आरक्षण के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया है, तो समाजवादी पार्टी ने ये जरूर राग अलाप दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी की विरोधी और इसीलिए उसने आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किया और यही कर रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके पहले ही कमीशन वगैरह नियुक्त कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही राहत मिली तो वो उस टिप्पणी के जवाब है जो अखिलेश यादव समेत तमाम सारे विपक्षी दल के नेताओं ने की थी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। लेकिन इसमें भी समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कह रही है कि हमने भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और हमने भी तमाम सारी कोशिशें की थी, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बना। हालांकि राजनीतिक पार्टियां चाहे अब कुछ भी कहें, अब जब आमना सामना उनका निकाय चुनाव में होगा तब देखना होगा कि कितनी सीटें निकाय चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी जीतती है क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं। और अगर आप देखें दीपा, तो अब ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि जैसे ही ये चुनाव अगर पूरी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है और कोई बाधा अब नहीं आती है तो ये तय मान के चलिए कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में चुनाव होगा। और जब ऐसे में मई के पहले हफ्ते में चुनाव होगा तो जब उसके बाद नतीजे आएंगे तो लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचेगा और ऐसे में दोनों पार्टियों में से जो सबसे ज्यादा निकाय की सीटें जीतेगी वो जाहिर तौर से बात है लोकसभा चुनाव के लिए मोमेंटम बनाएंगी और इसको लेकर प्रचार करेंगी कि स्थानीय स्तर पर, निकायों के स्तर पर, निचले स्तर पर लोगों के अंदर किस तरीके का जो एक रुख है पार्टियों को लेकर के वो भी देखने को मिलेगा। इसलिए अब दोनों ही पार्टियों को ताकत ज्यादा लगानी होगी निकाय चुनाव में जिससे कि आगे लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए मोमेंटम क्रिएट किया जा सके। लेकिन अब फिलहाल सभी को इंतजार करना होगा, कोई भी अपनी जीत बताए, कोई भी अपनी हार बताए, सब अपने अपने लिए खुश हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं सभी के लिए था एक तरीके से और अब सबको उस आदेश को मानते हुए आगे निकाय चुनाव की प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से समझाने के लिए। बड़ी खबर है, दो दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम योगी का दो दिवसीय दौरा है मुंबई का। उद्योगपतियों से मिलकर के समिट का निमंत्रण देंगे सीएम योगी। यूपी में निवेश को लेकर मुंबई में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी, ये खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निमंत्रण देंगे उद्योगपतियों को सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मुंबई में रोड शो भी करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। दो दिवसीय उनका दौरा है मुंबई का, पहुंच चुके हैं मुंबई सीएम योगी आदित्यनाथ, दो दिन तक वहीं पर उनका प्रवास होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम योगी का ये दौरा अहम हो जाता है। उद्योगपतियों से वो मिलेंगे मुंबई में, समिट का निमंत्रण उनको देंगे, समिट में आने के लिए कहेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर फोकस है सरकार का, सीएम योगी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इससे पहले दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, बड़ी खबर। त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का फैसला निरस्त कर दिया गया, ये बड़ी खबर। भ्रष्टाचार केस में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं होगी, बिना त्रिवेंद्र का पक्ष सुने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है जांच का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर की मांग भी नहीं की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष सुने बगैर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया, उनका पक्ष नहीं जाना गया, उनको नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का फैसला न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बड़ी खबर और ये बड़ी राहत है पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामले में पक्षकार नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष भी नहीं सुना और आदेश दे दिया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। खुशी दुबे को मिली जमानत पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। खुशी दुबे को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और खुशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। विकास दुबे के गुर्गे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे बिकरू कांड में शामिल होने के आरोप में खुशी जेल में बंद थी। इस पूरे ही मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि खुशी दुबे की जमानत भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है। भाजपा याद रखें, अंततः जीत न्याय की ही होती है, अहंकार की जीत नहीं होती। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है आपके सामने। और इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है खुशी दुबे को लेकर। उन्होंने लिखा है कि कानपुर की खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। भाजपा सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है। माननीय कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी की तरफ से जो किया गया है। कांग्रेस की महासचिव हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अन्याय पर ये न्याय की जीत है। अखिलेश यादव और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने ये ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा है खुशी दुबे को मिली जमानत को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली खुशी दुबे को और जमानत पर ये रिएक्शन प्रियंका गांधी का, भाजपा सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है। और अब कोर्ट ने जमानत दे दी है या न्याय पर न्याय की जीत है। ये कहा है भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और इन बातों का जिक्र प्रियंका ने भी किया है। साथ में इससे पहले अखिलेश यादव का भी ट्वीट आपने देखा था। खुशी दुबे को मिली जमानत पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। खुशी दुबे को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और खुशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। विकास दुबे के गुर्गे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे बिकरू कांड में शामिल होने के आरोप में खुशी जेल में बंद थी। इस पूरे ही मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि खुशी दुबे की जमानत भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है। भाजपा याद रखें, अंततः जीत न्याय की ही होती है, अहंकार की जीत नहीं होती। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है आपके सामने। और इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है खुशी दुबे को लेकर। उन्होंने लिखा है कि कानपुर की खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। भाजपा सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है। माननीय कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी की तरफ से जो किया गया है। कांग्रेस की महासचिव हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अन्याय पर यह न्याय की जीत है। अखिलेश यादव और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने ये ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा है खुशी दुबे को मिली जमानत को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली खुशी दुबे को और जमानत पर ये रिएक्शन प्रियंका गांधी का, भाजपा सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है। और अब कोर्ट ने जमानत दे दी है या न्याय पर न्याय की जीत है। ये कहा है भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और इन बातों का जिक्र प्रियंका ने भी किया है। साथ में इससे पहले अखिलेश यादव का भी ट्वीट आपने देखा था। एक बार फिर से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दो दिन के मुंबई के दौरे पर पहुंचे हुए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है यूपी में, जिसको लेकर उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे और उनको निमंत्रण देंगे कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने।
दो दिवसीय मुंबई का दौरा सीएम योगी का, उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनको इनवाइट करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर मुंबई में रोड शो भी करने वाले हैं सीएम योगी। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई की सड़कों पर रोड शो करते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में उत्तर प्रदेश में होना है और इससे पहले मुंबई पहुंचे सीएम योगी और वहां पर उद्योगपतियों के साथ में उनकी मीटिंग भी होगी, उनसे बातचीत करेंगे और उनको निमंत्रण देंगे कि वो यूपी आए और वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने, निवेश करें उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर वो उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दो दिन का उनका दौरा है, दो दिन के प्रवास पर मुंबई पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां से तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं उद्योगपतियों के साथ में उनकी बातचीत, उनसे मुलाकात और रोड शो भी करते हुए मुंबई में दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो दिन का उनका दौरा और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी उनके साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिल्म जगत के लोगों से भी मिलेंगे सीएम योगी, ये भी जानकारी है। फिल्म जगत के तमाम बड़े चेहरों से भी उनकी मुलाकात होगी, उद्योगपतियों से उनका मिलने का कार्यक्रम पहले से ही तय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम के साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद हैं मुंबई में। दो दिन तक दोनों ही मुंबई में रहेंगे और वहां पर फिल्म जगत के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उद्योगपतियों से भी मिलेंगे और उनको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट करेंगे सीएम योगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।